अभी सब्सक्राइब करें राम टेक्निकल टेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राम टेक्निकल टेक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉइड फोन के कुछ हिडन टिप्स के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे और मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से एडिट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरी ये जो कोशिश है वो आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करके दूसरों को ज़रूर बचाइएगा ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी समझ में आ जाए, वो भी इसके बारे में जान सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं राम टेक्निकल ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो सबसे पहली ट्रिक है वो ये है कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक सीक्रेट ट्रिक। जैसे कि फ्रेंड्स, हम अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम जैसे कि अपनी ईमेल आईडी, अपना बैंक की डिटेल्स वगैरह और अपनी फेसबुक वगैरह, ये सारा कुछ हम जब खोल लेते हैं और यहाँ पर हमने देखा होगा कि हम यहाँ पे अपना पासवर्ड सेव करके रख लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है, यानी कि एक फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। सपोज़ करिए कि अगर आपने अपनी ईमेल आईडी खोली और आप उसका पासवर्ड भूल गए, ठीक है, तो आप उसको रीसेट कर सकते हो, वो अलग बात है। बट अगर आपको देखना है, जैसे कि मान लो आपने आपकी फ्रेंड ने फोन लिया, उसने अपनी फेसबुक देख खोली और बंद कर दी, ठीक है, तो अब आपको देखना है कि भाई उसका पासवर्ड क्या था, उसने क्या करा, तो आप कैसे करोगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो थ्री डॉट्स हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखो सेकंड में, बिल्कुल लास्ट से सेकंड में एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, आपको क्या करना है वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको क्या करना है, नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है पासवर्ड, ठीक है, तो इसके नीचे आपको दिखना है पासवर्ड पर, क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि फ्रेंड्स जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर, सपोज़ करिए आपकी फ्रेंड ने यहाँ पर अगर अपनी फेसबुक लॉगिन करी है तो उसका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी, अपने जोस्ट अकाउंट, अपना बहुत सारी चीज़ें लॉगिन कर रखी हैं, ठीक है, IRCTC वगैरह, ठीक है। अब फ्रेंड्स सपोज़ करिए कि आपको क्या करना है, आपको उसको देखना है पासवर्ड, तो आप क्या करेंगे उसके अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो पासवर्ड देखने का ऑप्शन है वो आ रहा है, ठीक है। अब आपको देखना कैसे, जो आई का बटन है, अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो पासवर्ड है, ठीक है, आपका जो फ़ोन है वो एक बार मांगेगा और उसके बाद आपको क्या करना है, मेन पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स की जो पासवर्ड था वो आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो सेकंड ट्रिक मैं आपको बताने वाला था वो ये बताने वाला था कि हम यहाँ पे अपने फ़ोन में देखिए, आप देख लीजिएगा जैसे कि गैलरी वगैरह में या ऐप लॉकर वगैरह पता नहीं क्या क्या यूज़ करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसको ब्रेक करने के, इसको बाईपास करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप सेटिंग में जाके इसको फोर्थली डिसेबल कर सकते हो, फिर इसके बाद ये काम कर जाएगा, आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, है ना, और आप क्या कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज़ करिए कि आपने अपने फ़ोन का फ्रेंड का फ़ोन लिया और आपके उसमें फ्रेंड के फ़ोन में गैलरी वगैरह में सारा कुछ पासवर्ड वगैरह लगा रखा है उसने गैलरी में, मेमोरी कार्ड में, तो आपको कुछ देखना है, कुछ डेटा जैसे कि फ़ोटो वगैरह देखना है, तो आप कैसे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है फाइल, ठीक है, और एक कॉलन लगाना है, ठीक है, उसके बाद ट्रिपल स्लैश और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रेंड्स एसडी कार्ड, ठीक है। एसडी कार्ड लिखने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि अभी जो मैंने अभी आपको दिखाया था मेरे फ़ोन में गैलरी में लॉक था, ठीक है। अभी सपोज़ करिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रोम ब्राउज़र सॉरी शेयर्ड से कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको देख के दिखाऊंगा, आप कुछ भी चेक कर सकते हो, ठीक है, पूरी मेमोरी कार्ड में आप कुछ भी चेक कर सकते हो, कोई भी फोल्डर, कोई भी सॉन्ग्स, कोई भी फोटोज़ वगैरह सारा कुछ आप चेक कर सकते हो। तो सपोज़ करिए कि शेयर्ड से अगर मुझे कुछ देखना है तो मैं शेयर्ड वाले फोल्डर पर जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे एक बार वापस जाके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे जूम करके देखेंगे एक शेयर्ड का फोल्डर आ रहा है, ठीक है, आपको सपोज़ करिए शेयर्ड पर देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, है ना, पिक्चर्स वगैरह, सपोज़ करिए कि आपको पिक्चर्स फोटोज़ देखने, तो आप पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह आ गए, ठीक है। अब आप कोई पे किसी पर भी क्लिक करके वन बाय वन यहाँ से क्या कर सकते हैं, फ़ोटोज़ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको शो कराया, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, किसी के भी फ़ोन में आप अगर ऐप लॉकर लगा हुआ है, कोई पासवर्ड लगा हुआ है, तो इस तरह से आप अपने उनके फ़ोटोज़, उनका जो भी डेटा है आप उसको देख सकते हो।
बेसिकली फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये आपकी हेल्प के लिए हैं। आप ऐसा करके किसी को मिसयूज़ मत करिएगा, किसी का गलत यूज़ मत करिएगा, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया था। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज की जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि हिंदी में होती हैं, बिल्कुल फ्री होती हैं। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, हम मिलेंगे किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।